अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा उज़ैर द किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल वेज हक्का नूडल्स बनाने की रेसिपी। आज मैं आपको इस रेसिपी में सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके हक्का नूडल्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 लीटर वाटर ले लिया है। अब हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे, तो नूडल्स को हमें 3 से 4 मिनट के लिए ही बॉईल करना है। उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और जैसे ही नूडल्स अच्छे से स्ट्रेन हो जाए तब हम इनके ऊपर ऑयल को डालेंगे। ऑयल डालने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल खिले खिले रहेंगे। इसके बाद हम इनको अच्छे से फैला लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। नूडल्स को बॉईल करने के बाद आप 3 से 4 डेज के लिए इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नूडल्स को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1/2 कप ऑयल को ऐड कर लिया है और जैसे ही ऑयल हीट हो जाएगा हम इसमें ऐड कर लेंगे आनियन। आनियन मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और इनको स्लाइस कट कर लिया है। आनियन को मैंने मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम। सभी वेजीज को मैंने ग्रेट किया हुआ है, आप यहाँ पर कोई और वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हमें इनको फ्राई करना है। हमें इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है क्योंकि नूडल्स की वेजीज में हल्का सा क्रंच रहता है। 5 मिनट मैंने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें नूडल ऐड कर रही हूँ और नूडल्स को भी हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर नूडल्स भी अच्छे से हीट हो गए हैं और सभी वेजीज के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम ऐड कर लेंगे कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। 2 स्पून सोया सॉस में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, 2 स्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और लास्ट इंग्रेडिएंट में इसमें ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला। अब फ्लेम को हम फिर से हाई कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ईजी होता है हक्का नूडल्स बनाना और ये बहुत टेस्टी भी बनकर तैयार होते हैं। हाई फ्लेम पर हमें इनको तब तक कुक करना है जब तक ये अच्छे से हीट नहीं हो जाए। फाइनली ये हक्का नूडल्स की रेसिपी बनके हो गई है रेडी। आप इनको सर्व करें मंचूरियन ग्रेवी या फिर सॉस के साथ। अब इनको हम सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये हक्का नूडल्स की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।